इंसान हिम्मत हो तो क्या कर नहीं सकता। देश हमार जाओ प्रीतम से जाकर कहना दर्श के प्यासे है नैना तुझे ढूंढे दिन तुझे ढूंढे दिन क्या हंसते हो तुम लोग क्या मुझे सर्कस का लंगूर समझ लिया है यहाँ आओ 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 ये देखो वाओ जनाब सर मंगलदास आप अपनी बच्ची के साथ इस सफर में खुश है ना बहुत ज्यादा शुक्रिया कैप्टन साहब दादी यहाँ तो बड़ा आनंद आता है क्या बम्बई के लोग भी इसी तरह मजाक करते होंगे अभी तूने देखा है क्या है मेरी बच्ची जब तू बम्बई की स्वर्ग जैसी बस्ती में पहुँचेगी तो पानी की लहरों के गीतों की बजाय रेडियो ग्रामोफोन बस सिनेमा के मीठे गानों की ताने तेरे बचपन को अपनी गोद में ले लेंगी तू बम्बई की हर एक चीज को देखेगी और घंटों देखती रह जाएगी तेरा चचा मुद्दत से तिजारत के लिए बम्बई गया हुआ है मगर वहां से वापिस आने को उसका दिल ही नहीं चाहता और देखिए
सिखाया पिताजी? सूचना, जहाज के मुसाफिरों को खबरदार किया जाता है कि तूफान या किसी और खतरे के वक्त सिर्फ जरूरी चीजों को बचाने की कोशिश करें। क्या सोच रहे हैं पिताजी? कुछ नहीं बेटा, जानती हो लीला ये क्या है? कागज ही तो है और क्या? कागज, कागज कभी कभी कीमती भी होते हैं बेटा। कागज की एक नोट भिखारी को अमीर बना देती है। ये कागज भी अपने सीने में एक बहुत बड़ी दौलत छुपाए हुए है। मगर ये है क्या? ये वसीयत नामा है जो मैंने तुम्हारे पिता सर मंगलदास ने लिखा है। इस कागज की गोद में तुम्हारी जिंदगी का सुख चैन मीठी नींद सो रहा है। सुनो, मेरी बच्ची, मेरे मर जाने के बाद मेरी तमाम दौलत तुम्हारी हथेली पर नाचेगी और मेरी सारी जायदाद के साथ मेरी इज्जत, मेरी किस्मत और मेरे भाग्य की भी मालिक बन जाओगी। पिताजी ऐसी बातें ना कीजिए, मुझे डर मालूम होता है। कोई बात नहीं बेटा, तकदीर को तदबीर से बदल सकते हैं। मगर आपने तो एक दिन माता जी से कहा था कि तकदीर के तूफान को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। नहीं नहीं बेटा, तू तो मेरी आंखों का उजाला है।
पिताजी? चिंता करने का समय नहीं बेटा, यहाँ से जल्द निकल जाए। डरो नहीं बेटा, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। कैप्टन साहब, अब तो बचने का कोई सहारा नहीं रहा। हो सके मुंगल दास की बेटी की जान बचाओ। तुम्हारी मौत को धोखा दे रहा हूँ बेटा, तुम्हें जिंदा रखना चाहता हूँ। अब तुम बच गए, तुम, तुम्हारी गुड़िया और वह किस तरह। डरो नहीं बेटा, डरो नहीं, रो मत मेरी बच्ची, मैं डरो हमेशा याद रखना, तुम बहादुर बाप की बेटी हो, तुम्हें बहादुर बनना चाहिए, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। एक दरिया की लहर है जो थप्पड़ों में बनती है और तूफान में बह जाती है।
बाप रे बाप। घबराओ नहीं बेटी, डरो नहीं। तुम एक बहादुर बाप की बेटी हो, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। तुर बनो। एक मासूम की जिंदगी में निराली दोस्ती शुरू होती है। कुदरत और तहजीब आपस में हाथ मिलाते हैं। मासूमियत मासूम को अपनी तरफ खींचती है और बेसहारे लीला जंगल के खौफनाक जानवरों में अपनी बेनजीर जिंदगी शुरू कर दे। वक्त की रफ्तार ने सुबह शाम की कई मंजिलें तय कर ली और जैसे जैसे जमाना गुजरता गया वो प्यार के साथ उनके दिलों पर हुकूमत करती रही। और पियो, जबकि अपनी कहानी की हीरोइन शहंशाह जंगल के साथ सुख और अमन चैन से जिंदगी बसर कर रही है, हम अपनी निगाहों को सैकड़ों मील दूर ले जाएं, बॉम्बे, जहां उसकी तलाश के चर्चे हो रहे हैं जो कई आदमियों की जिंदगी में निराले जज्बात पैदा कर देंगे। बीस साल 240 महीने गुजर गए। मैं और मेरा भाई सर मंगल दास इस गोल जमीन की छाती पर मारे मारे फिरते रहे, मगर हम लीला को ढूंढने में कामयाब न हो सके। और कामयाब हो भी कैसे सकते थे? 5 साल का मासूम बच्चा तूफान में कागज की नाव की तरह बह गया होगा। मुझे यकीन है कि वो मर चुकी है और अब मेरा भाई उसे स्वर्ग में जा मिला होगा। इस वक्त मेरे सिवा मरहूम सर मंगलदास का कोई रिश्तेदार जिंदा नहीं। उसकी तमाम जायदाद अब मुझे मिल जानी चाहिए। कानून को भी मेरी तरफदारी करनी चाहिए।
और आपको भी मेरे हक में फैसला करने में देर नहीं करनी चाहिए। आपका कहना बजा है, मेरा भी यही ख्याल है, मगर हमें एक जरूरी चीज को न भूलना चाहिए। वो क्या? आपके भाई ने मरते हुए ये वसीयत की थी कि 10 साल तक लीला का इंतजार किया जाए और 10 साल तक तमाम रुपया पैसा और जायदाद अदालत के कब्जे में रहे। नो थैंक्स। मगर क्या फायदा, 10 साल तो क्या 10,000 साल तक भी लीला का पता नहीं मिल सकता। ठीक है, मगर वसीयत पर अमल करना कानून का फर्ज है और इस फर्ज को पूरा करने के लिए अदालत एक भारी खर्च से लीला को तलाश करना चाहती है। खोज लगाने वाली पार्टियां दुनिया के हर हिस्से में भेजी जाएंगी और एक बड़ी रकम का इनाम उस आदमी को दिया जाएगा जो लीला को ढूंढ लाए। अदालत फजूल पैसा बर्बाद करना चाहती है तो करे, मगर मैं ही नहीं, दुनिया जानती है कि मौत तूफान के रूप में बाहें फैला कर आई और लीला को अपनी गोद में सुला कर ले गई। अब उसे ढूंढने की कोशिश करना मौत को ढूंढने की कोशिश करना है। मैं मजबूर हूं मिस्टर मोहनलाल, हमें मरहूम सर मंगलदास की वसीयत पर अमल करना ही पड़ेगा। वसीयत वसीयत, एक वसीयत ने लीला की जान ली, दूसरी मेरी जान लेकर रहेगी। ये भी तो हो सकता है कि दूसरी वसीयत लीला को दोबारा जिंदा कर दे। हिम्मत और कोशिश किस्मत के लिखे को मिल सकती है। तो फिर आपकी पार्टी किस्मत का लिखा मिटाने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहती है? इस पर अदालत भी विचार कर रही है। चंद रोज हुए मेरे एक अजीज दोस्त ने अफ्रीका से लिखा था कि उन्होंने अपने एक दोस्त मिस्टर हमीद के साथ मिलकर एक तलाश करने वाली पार्टी बनाई है जो लीला को ढूंढेगी। मैं उस पार्टी का इंतजाम करने के लिए कल स्टीमर से अफ्रीका जा रहा हूं। तो फिर मैं भी साथ चलूंगा। तो आखिर आपको भी शहर के ऐशो आराम छोड़कर इस जंगल में आना पड़ा? जी हाँ, आओ यहाँ आराम से बैठकर लीला के बारे में बातचीत करें और कुछ खाए पिए। लाख रुपए की कही, शायराने शायर मटन चाप पिया और कबाब खाने से कहा है कि ब्याह होता है दुल्हन आने के बाद और बिजनेस होता है कुछ। अबे छोड़ छोड़, जानता नहीं कि मैं कबाब खां का शागिर्द हूँ? अबे छोड़ छोड़, नहीं तो बताता हूँ। क्या लेंगे आप? जी मेरी तो फेवरेट सिर्फ बियर है। और मेरा दोस्त है 3X। कोई इसको पीवे हम उसका दूर होवे, इर्शाद शाद होवे दुनिया में नाम पावे। जो कोई इसको पीवे हम उसका दूर होवे, इर्शाद शाद होवे दुनिया में नाम पावे। ये विस्की मैं बुलाई पी लो मेरे जानी, फिर दिल में गर्मी आई सुबह से शाम आई। ये विस्की मैं बुलाई तू पी लो मेरे जानी, फिर दिल में गर्मी आई सुबह से शाम आई। मुश्किल से मैंने पाई दुनिया से ढूंढ लाई, महफिल में रंगत आई तुम पी लो इसको जानी। मुश्किल से मैंने पाई
दुनिया से ढूंढ लाई, मैं फिल्में रंगत आई, तुम पी लो इसको जाने, ये मेरे से बनाई, खुशबू में है बसाई, बोतल में भर के लाई, मुर्गे की दाम खाई, मेरे से बनाई, खुशबू में है बसाई, बोतल में भर के लाई, मुर्गे की दाम खाई। सूरत में जैसे नाई, आँखों में जैसे खाई, कुछ समझ के लाई, तुम पी लो मेरे जानी, तू मेरी माई, सड़की हुई सफाई, हम तो किसी से मोहब्बत करते नहीं है भाई। मिस्टर सुरेंद्र, वक्त फजूल जा रहा है, चलो कहीं लीला के बारे में बातचीत करें। मगर आप एक लापता लड़की को कैसे ढूंढ निकालेंगे? ढूंढने से तो कारू का खजाना भी मिल जाता है, फिर लापता लड़की का ढूंढ निकालना हम सफरियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं। ये है मेरे दोस्त हमी, जिन्होंने अफ्रीका के घने जंगलों में अपनी सारी जिंदगी गुजारी है, और आप हैं अपने मेहमान जो आज ही बंबई से आए हैं। ब्रदर, उस जंगल प्रिंसेस के बारे में आप जो कुछ जानते हो वो मिस्टर मोहनलाल को सुना दो। जंगल प्रिंसेस, जिसके नाम ही में जादू भरा है, जिसके बारे में सुनते ही यहाँ के वहशी लोग कांप उठते हैं। सुनिए, यहाँ से 700 मील दूर अरब सागर के पास एक अजीब गरीब हरमबानो नामी टापू है, जिसकी आजाद हवाओं में एक भेदी और जंगल की आजादियों से खेलती है, जो शेर और बबरों पर भी अपना जादू चलाकर राज करती है, जिसको वहशी लोग देवी समझकर पूजते हैं। हरमबानों की सरजमीन पर पैर रखते हुए ही इंसान का दिल कांपता है। अगर आपको उस भेदी औरत की तलाश में जाना हो तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, क्योंकि मैं और मिस्टर सुरेंद्र जैसे सफरी तो ऐसे मौके के लिए हमेशा तरसा करते हैं। तो आप इस सफर पर कब रवाना होते हैं? कल सवेरे। कल सवेरे? अभी तो आप शिकार पर से वापस आए हैं, थोड़ा सा आराम करें। लाख रुपये की कहीं? हम मुसाफिरों के लिए आराम की जरूरत नहीं, ऐसे मौके तो हमें किस्मत से मिलते हैं वकील साहब। हमें सफर की तैयारी करो, कल सवेरे ही सूरज निकलने से पहले काफला रवाना हो जाएगा। बहुत खूब। और हाँ, गोली बारूद काफी तादाद में ले लेना। ठीक है मिस्टर सुरेंद्र, एक ख्याल से तो एक लापता लड़की को ढूंढना सरासर जहालत है, पागलपन है। मार्ग से जाना मुसाफिर, इस मार्ग से जाना नहीं, अपनी मंजिल का ऊंचा पता ठिकाना नहीं, अपनी मंजिल का ऊंचा पता ठिकाना, इस मार्ग से जाना मुसाफिर,
उस मार्ग से जाना, तू किसे ढूंढने आया, किसने तुझे बुलाया, तू किसे ढूंढने आया, किसने तुझे बुलाया, किस पर तू हो गया दीवाना, किस पर तू हो गया दीवाना, कौन तेरा दीवाना, कौन तेरा दीवाना, किस मार्ग से जाना मुसाफिर, किस मार्ग से जाना, क्या सीखा तीर चलाना, क्या सीखा तीर चलाना, जो लगे ना ठीक निशाना, जो लगे ना ठीक निशाना, तो पग सीधी तो पग टेढ़ी, ऐसी है ये राह, इधर उधर जो लगा देखने होगा गुमराह, इधर उधर जो लगा देखने होगा गुमराह, ना मिले मुसाफिर खाना, ना मिले मुसाफिर खाना, किस मार्ग से जाना मुसाफिर। वो हमें वो देखिए हुजूर, गर्म पानी के चश्मे। तो क्या हुआ, इन लोगों का दम क्यों निकला जा रहा है? आपकी नजरों में शायद कुछ भी नहीं हुआ हो, मगर इन लोगों की तो दुनिया ही उजड़ गई है हुजूर। इन लोगों के लिए गर्म पानी का चश्मा बदकिस्मती का शगुन और मौत का पैगाम है। इन लोगों का पूरा एहसास है कि ये चश्मे उन खतरनाक भूतों के अड्डे हैं जो हमेशा गुमराह मुसाफिरों की तलाश में रहते हैं। इसीलिए उन भूतों के कहर से बचने के लिए ये लोग जादुई मंत्र पढ़ा करते हैं। मैं जानता हूँ सब वहम और पागलपन है, देखो मैं खुद आगे बढ़ता हूँ, इनसे कह दो कि सब मेरे पीछे पीछे आए। कौन इस मोहम्मद? जल्दी चलो 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 लंथ हो। अरे अरे ये पानी है या जान निकालने की घानी है? अरे आप क्या करूं? अरे क्या करता है? करता क्या है, ये तो कुदरत का खेल है, करता क्या है? चल चल अरे ले चल ले घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। संभाल के चलना, संभाल के चलना, गिरना मत, गिरना मत।
रुको, जाओ, जल्दी जाओ। अरे रो जा रो, कोई भूत नहीं, चोर नहीं है, ये तो कुदरत का करिश्मा है। अरे मुझे कहाँ छोड़ गया तो, अरे मेरा क्या होगा, अरे सुरेश, अरे सुरेश मर चुका। मैं उस जिद्दी सोलिसिटर से कह कह कर हार गया था कि ये खतरनाक सफर बेकार है, पागलपन है। मैं जानता हूँ, सारी दुनिया जानती है कि लीला मर चुकी है। मिस्टर मोहनलाल, मेरी समझ में नहीं आता अब शुरू से इस सफर के क्यों खिलाफ है और हमेशा इसकी कामयाबी पर क्यों शक करते हैं। दुनिया में दो किस्म के आदमी हैं, एक वो जो तकलीफ का ख्याल करते ही हिम्मत हार जाते हैं और दूसरे वो जो कामयाबी के आगे तकलीफों को कुछ नहीं समझते। शायद मिस्टर मोहनलाल पहली किस्म के महाशय हैं। बस करो, मैं तो तंग आ गया हूँ तुम्हारी इस पर बढ़ते बड़े आए बहादुर। मगर मिस्टर मतलब यह है कि अगर लीला का पता नहीं मिलता है तो मतलब यह है, मतलब साफ हो गया। अच्छा जाने दो। मूर्ख मन तू क्यों भरवाया, मूर्ख मन तू क्यों भरवाया, धन दौलत की है सब माया, धन दौलत की है सब माया। पैसों का इंगार बढ़ा कर जग में मान बढ़ाए, पैसों की गंगा में नहा कर पापी देव कहाए, उसने जीवन के दुख पाए, उसने जीवन के दुख पाए, जिसने पैसा पाया, जिसने पैसा पाया। मूर्ख मन तू क्यों भरमाया, मूर्ख मन तू, मूर्ख मन तू क्यों भरमाया, धन दौलत की सब माया, धन दौलत की है सब माया। लाख रुपए की कहीं, दुनिया का सारा कारोबार पैसे पर ही चलता है। सुनो, मूर्ख मन तू क्यों भरमाया, खीसे पाकी सैसी है सब माया। मगर नहीं, धन दौलत के मुझकता है, पैसा पैसा क्यों करे, पैसा हाथ का मैल, बहादुर कहे समझ पैसे को, बाएं हाथ का खेल।
इसलिए आए सज्जनों, अपनी दौलत पर कभी नाज न करो, आज है कल नहीं। सुनो, रेस कोर्स में डबलिन लगे पर शेयर बाजार में खोना होगा, बालकनी में जन्म लिया हो पर पीट क्लास में सोना होगा, अकड़ पकड़ कर ड्रेस सूट बनाया पर एक दिन गिरवी रखना होगा, धोबी जी ने हड़ताल की तो बेटा अपने हाथ से धोना होगा, बड़े हां बनकर मोटर चलाई तो एक्सीडेंट से मरना होगा। कहत बहादुर सुन भाई साधु, पैसे के पुजारी को चुल्लू भर पानी में डूब कर मरना होगा। बस बहादुर बहादुर रोड अरे क्या करे, मोटर में पेट्रोल तो है ही नहीं, जबरदस्ती चलने से तो रास्ता भी खराब हो जाता है। सीधी फा शेर मर्द के नाम से मशहूर है। Thank you.
चलो जल्दी पत्थर की आग में। हाँ हाँ चलो। वहां से जाना ही होगा। वहां जाना मैच के मुंह में जाना है। चुप रहो बहादुर, तुम अच्छी निशानाबाज हो। मैं जाता हूँ, निगाह रखना। हाँ लाख रुपए कहीं, लेकिन सबसे ज्यादा तेज और चैंपियन भागने वाला मैं हूँ। मैं जाऊंगा। हमी कहाँ जाते हो? वापस आओ हमी, वापस आओ। को नहीं गुजाया ना करो, देखिए वो क्या करना चाहते हैं। भागा भागा। दो बाकी रह गए। ये कैसी आवाज? शेरों को बुला रहे हैं। आखिरी दो गोलियों को जरूरत के वक्त इस्तेमाल करना। बहुत अच्छा। किसी मोटे ताजे को ढूंढ, यहाँ क्या मिलेगा। अरे जा बाबू समझू। अरे क्या समझू, ये तो कहता है कि जिंदा ही खा लू। Oh!
अब क्या किया जाए? सांस रोक कर लेट जाओ ताकि शेर हम लोगों को मुर्दा समझे। हाँ हाँ की मालिका, मेरा बाप यहाँ का राजा है। जो मेरे शेरों को मारता है उसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। ताज्जुब है कि मैंने तुमको क्यों बचा लिया। तुमने मेरे शेर भोला को जान से मारा, इसकी सजा भुगतनी होगी। जाओ। हमारे सब सफरी कहाँ गायब हो गए? उन सब को उन शहर मर्दों ने गिरफ्तार कर लिया है। जब तक तुम्हारा फैसला ना होगा तुम्हारे साथी मेरे पिता की कैद में रहेंगे। इंटेस्ट्रांथ्रोपोस राजा फिर वांगा। अबे पेट से क्यों मारते हो? क्या तुम्हारे बाप दादा ने नहीं सिखाया कि एक जंटलमैन के साथ किस तरह बर्ताव करना चाहिए? वो क्या कह गई? उसने हमें गिरफ्तार करके अपने बाप हरमबानों के राजा के सामने पेश करने का हुक्म दिया है। वहां शेर के खून का बदला हमारे खून से लिया जाएगा। हरमबानों का राजा। Thank you.
जमाने के, हम तो हैं नादान नादान हाँ कसम जमाने के, हम तो हैं नादान नादान हाँ कसम जमाने के, हम क्या जाने रीत पीत की, हम क्या जाने रीत पीत की, हम तो हैं अनजान अनजान हाँ कसम जमाने के, हम तो हैं अनजान अनजान हाँ कसम जमाने के, कसम जमाने के। हम रहते और कलियां हजार, हम रहते और कलियां हजार, करे किस किस को प्यार लगा मीना बाजार, करे किस किस को प्यार लगा मीना बाजार, कभी तो दिल में उठा तूफान, कभी तो दिल में उठा तूफान, और मचल पड़े अरमान, और मचल पड़े अरमान, सीधे साधे दिल पे आके पीछे लगे निशान, सीधे साधे दिल पे आके तिरछे लगे निशान, हम तो हैं हैरान हैरान हाँ कसम जमाने के, हम तो हैं हैरान हैरान हाँ कसम जमाने के। हाँ कसम जमाने के, हाँ 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 कसम जमाने के। सरकार की जय हो। की जान दे दी है अभी आदमी बागसरमी ने हरम बानू में कैसे दाखिल होने पाए इसका मुझे पता नहीं है सरकार, मगर हमारी बहादुर शेरों के मलिका ने उन सबको गिरफ्तार करा के हुजूर आला की खिदमत पेश करने का हुक्म दिया है। वो कहाँ है वो सब चंडाल? रास्ते में होंगे सरकार, अभी अभी महल में लाए जाएंगे। अजब तेरी कुदरत, अजब तेरा खेल, छछुंदर के सर में चमेली कसी, इस जंगल में और ये मंगल, कोई मुझे बताए कि ऐसी दिलखुश जगह में ऐसी मनहूस शक्लों का क्या काम भला? बस और तो कुछ आता ही नहीं, जरा जरा नहीं। मैं तो समझा था कि हमें कोई भयानक फांसी घर की तरफ ले जा रहे हैं, मगर ये तो बड़ा शानदार महल है, रंग रंगियों से भरपूर लगता है, कैसा खूबसूरत मंजर है। खूबसूरती जिंदगी की राहत का पहला जीना है, जिसको मिली बस वो हर दिल अजीज हो गया, मगर बाद वक्त खूबसूरती ही इंसान की पामाली का हथियार बन जाती है, खूबसूरत का हर अंदाज बना देता है दीवाना, जब फंसता है खुद इश्क में बन जाता है परवाना। लाख रुपए की कही, आफ्ताब मुल्क साहिबा ने अलमौस उर्फ जिंदा लौश ने अपनी खूबसूरत, लेकिन बेवफा माशूक के बारे में सब कहा है, क्या दिल दे दिया है उनको नजराना समझकर, जालिम ने उड़ा दिया मुझको बारूद खाना समझकर। Thank you.
हरम बानों के राज में कदम रखने की जरूरत की? झक मारी के यहाँ आए। लो भाई, पुराना प्रोग्राम फिर शुरू हो गया। सरकार, किस्मत ले आई हमें, भाग फूटे थे हमारे जो इन सब लोगों के साथ अपनी लापता भतीजी की तलाश में निकले, क्योंकि वो एक बड़ी जायदाद और भारी रकम की हकदार है। और तुमने ये कैसे जाना कि वही लड़की तुम्हें यहाँ मिलेगी? अभी दुनिया उम्मीद कायम है। लाख रुपए की कहीं। लो भाई, ऊंट के नाटक में ये नई कैरेक्टर आ गई। लापता लड़की की तलाश के साथ मुझे कोई निस्बत नहीं है। तुमने मेरी बेटी के बालू शेरे बबरू भोला की जान ले ली है, और हमारे राज में शेरों को मार डालने की सजा मौत है। सरकार, ये कैसे हो सकता है? कहीं इंसान भी जानवरों को मारने के जुर्म में मौत के घाट उतारे जा सकते हैं? ये कहाँ का कानून है? ये यहाँ का कानून है। यहाँ हम खुद कानून हैं। और हमारा कानून है लाठी का जवाब लाठी से, खून का जवाब खून से। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, हमले के सामने इंसान को अपनी जान बचाना ही चाहिए, और दुनिया का भी यही कानून है। अपनी जान बचाने के लिए हमें भोला को मजबूरन मानना पड़ा था। बस, किस्सा खत्म कर दो। मैं हरम बानों के राजा की हैसियत से तुम सबको मौत की सजा देता हूँ। हर जाइए पिताजी। तुम क्यों यहाँ आई? इसलिए कि इन अजनबी मुजरिमों का फैसला मेरे हाथ है। माला, तुम इस राज के कानून को तोड़ रही हो। अजनबियों का फैसला सरजमीने हरमबानों के राजा के हाथ में है। लेकिन हरमबानों के लोगों की मर्जी के मुताबिक शेरे बबर से टकराने वालों का इंसाफ मेरे हाथ में है, इसलिए मैं जो कुछ कहूँगी उस पर ही अमल करना होगा। अच्छा अच्छा बेटा, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? इस संगदिल ने मेरे भोला की जान ली है। अगर मैं चाहूं कि जोश में बेबस होकर इसको कुत्ते की मौत मार डालूं, मगर नहीं, माला के सीने में अभी तक दया मौजूद है, इसलिए मैं इसे अपनी जान बचाने का एक मौका देती हूं। इस संगदिल को एक भूखे शेर के साथ लड़ाया जाए, फिर इसकी बहादुरी का इम्तिहान खुद ब खुद हो जाएगा। ना तो मैं संगदिल हूँ ना बुजदिल, मैं शेर से लड़ने को तैयार हूँ, मगर एक शर्त पर। वो क्या? कि जो शिक्षा देनी हो मुझे दी जाए, मेरे साथियों को नहीं। लेकिन माला, खूब जानती हो कि माला के खिलाफ जाने का अंजाम खाली नहीं। तुम बहादुर मालूम होते हो, एक दुश्मन भी बहादुर दुश्मन की कदर करता है। अब ये देखना है कि तकदीर तुम्हारा साथ देती है या नहीं। पिताजी, अगर इसने शहर पर फतह पाई तो इसे और उसके तमाम साथियों को आजाद कर दिया जाए, और इसने शिकस्त पाई तो इसके साथ इन तमाम अजनबियों को भी मौत के घाट उतार दिया जाए।
लाख रुपए की कही मेरी माई, एक शेर को बहादुरी दिखाई तो ये मुसीबत आई। चलो भाई, अब भूखे शेर से बच गए तो किस्मत, नहीं तो चारों की सफाई। अगर तुमने शेर के खून पे मेरे खंजर की प्यास बुझाई तो तुम्हारी पता होगी, क्योंकि शेर मेरे शेर बबरों के दुश्मन हैं। इन सबको आजाद किया जाए। हाँ, क्यों नहीं? माला, मैं फिर एक बार तुमसे कहती हूँ कि अपना पागलपन छोड़ दो। कौल का पालन करना पागलपन कहती हो तो क्या? हरमबानों की सल्तनत का राज दुनिया पर जाहिर कर देना अकलमंदी का काम समझती हो तुम? लाख रुपए की कही, ये तो आगा हशर साहब के नाटक का बाप पहला और बेटा दूसरा हो गया। पिताजी, इनकी बंदूकें और गोली बारूद वापस कर देने का हुक्म सुनाया जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं? चानक इन अजनबियों का तमाम सामान वापस करके इन्हें आजाद कर दो। बहादुरी के अवतार है। आजाद हो अब, और क्या चाहते हो तुम? सिर्फ एक बात, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने की इजाजत।
काश मैं बता सकता, तुम्हारी शराफत ने हम सबके दिल पर क्या असर डाला है। मैं सर जमीन हरम बानों को छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारी याद मेरे दिल को हर वक्त बेचैन रखेगी। मुझे शर्मिंदा ना कीजिए, मैंने किया वो मेरा फर्ज था। औरत अपने इरादों में पहाड़ की चट्टानों से ज्यादा मजबूत और वो शगुफ्ता फूल है जिसे जवां मर्द अपने सीने से लगाता है। अब जाओ तुम सब यहां से, जान बची लाखों पाए। चलो चलो निकल चले यहां से। लाख रुपए की कहीं कमाल कर दिया इस 20वीं सदी के मजनू ने तो। आपने किस जादू की बिना पर उस संगदिल जंगल की परी के दिल पर फतेह पा ली और उसके दिल की पुड़िया को मोहब्बत के बादाम और पिस्तों से छलाछल भर दिया। छोड़ो इस मजाक को, मेरा तो दिल कह रहा है कि माला वही लड़की है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन मिस्टर मोहनलाल के दिल से तो पूछिए। पूछने की जरूरत ही क्या है, मुझे तो सारी हकीकत आईने की तरह साफ साफ दिखाई देती है। क्या खुद माला ने अपने मुंह से इकरार नहीं किया कि वो तो हरम बानू के राजा की लड़की है। कई बार मैंने कहा कि तुम माला को नाराज न करो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि माला के खिलाफ होकर हम हरम बानू के जंगली लोगों पर कभी हुकूमत नहीं कर सकते। कुदरत का करिश्मा भी अजीब है, जो आदमी हजारों को गुलाम बनाकर अपने पाँव की खाक समझ रहा है, वही आदमी एक मामूली औरत की जबान से निकले हुए अल्फाज को टालने की जुरत नहीं रख सकता। बंद कर अपना फलसफा। अगर हरम बानू के लोग मेरे इशारे पर चलते हैं तो वो सब माला का बाग है। जंगली लोग माला को देवी समझते हैं, माला के पैरों के नीचे रोंदी हुई धूल को चूमते हैं और वो मुझे इसलिए राजा मानते हैं कि माला मुझे पिता कहकर बुलाती है, क्योंकि माला मुझे अपना पिता समझती है। मैं तुम्हारी राम कहानी सुनते सुनते थक गई हूँ। मेरी जवानी इस तहखाने में जलकर राख हो रही है। अब तुम्हें अपने ताजो तख्त के सिवा कुछ सोचती ही नहीं। मगर मीना, तुम खूब जानती हो कि मैं तुम्हें मोहब्बत करता हूँ। मैंने तुम्हें सिर्फ अपने मुल्क की नहीं बल्कि साथ साथ अपने दिल की भी मलिका बनाया है, तो फिर क्यों खामखा मुझे परेशान कर रही हो मीना? मैं तो तुम्हें अपनी भलाई और सलामती के लिए समझा रही थी। हाँ, फिर भी एक बार माला पर अपना राज जाहिर हो गया कि मैं उसका बाप नहीं हूँ। बाज वक्त दीवार को भी कान होते हैं। वो देखो माला, जेरियो जेरियो हम जाते हैं जिंग 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 जिंग। खुदा के रहम व फजल से सारी बला सर से टल गई। हाँ, इससे पहले कि हमारे सर पर कोई और आफत का बादल मंडलाए हमें इस खतरनाक जगह से फौरन निकल जाना चाहिए। काटे तो सही नहीं है, गोली बारूद बिल्कुल बेकार है।
धोखा, जालसाज औरत ने हमें धोखा दिया है। शंकर, शंकर! अरे बाप, अरे बहुत तस्दीक आ गया। जाओ उनकी मदद करो, जाओ। सुरेंद्र, मुझे कहाँ छोड़ जाते हो? मैंने नहीं कहा था कि मेरा शंकर जरूर जीतेगा? हाँ, मैंने भी सुना था। ज्यादा मार तो नहीं लगी? वो तहनी तोड़ कर दो। बहुत अच्छा, अभी लाता हूँ। डरो नहीं, लाओ। नहीं नहीं, मैं डरता नहीं हूँ। ये शेर तो मैं दिलेर, भला ऐसे ऐसे शेरों को तो मैंने हजारों को मार डाला। क्या है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। शौक से कहिए। मगर तुम बुरा तो ना मानोगी। बोलो। जो गोली बारूद तुमने हमें वापस किए थे, वो सच्चे थे या बेकार? बेकार? तो क्या तुम मुझको शक की नजर से देख रहे हो? नहीं नहीं माला, ऐसा ना कहो। मुझे तो आप पर पूरा भरोसा है, मगर किसी दुश्मन ने हमें धोखा दिया है। तो हम जान की भी परवाह ना करते हुए उस दुश्मन को ढूंढ निकालेंगे। अगर तुम सब आज की रात यहाँ ठहर सको तो शायद कल सवेरे मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बता सकूंगी। जी नहीं, सिर्फ इतना जानने के लिए हम रात भर इस जंगल में नहीं रह सकते। रात होने वाली है। हाँ, अगर आप चाहें तो मैं जिस गुफे में रहती हूँ आप वहाँ आराम करें। लाख रुपए की कहीं, चलिए। वाह!
अगर इन जंगल के शेरों ने दंगल रचाया तो इस गंजी खोपड़ी का मनी ऑर्डर खुदागंज पहुंच जाएगा। ओ ये शेर, इनसे क्यों डरते हो? ये तो सीधे साधे अभी बच्चे हैं। बच्चे हैं, दम अंदर और कलेजा बाहर हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। मैं अपनी जिंदगी को मौत के खूंखार पंजे नहीं देखना चाहता। ये जहालत है, पागलपन है। मिस्टर मोहनलाल, आप घबराएं नहीं। हैवानों को भी कुदरत ने इंसानों की तरह भले और बुरे की समझ दी है। आपस में बहस ना कीजिए। देखिए, अभी आपको यकीन हो जाएगा कि ये मेरे साथ किस तरह मिले जुले हैं। जाओ, देखा? अब तो इत्मीनान हो गया। आओ। अगर तुम इनसे इतना डरते हो तो मैं उन्हें कह देती हूँ कि ये करीब वाली गुफा में चले जाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम यहाँ बेफिक्र आराम करोगे। आखिर तुम हमारे मेहमान जो हुए ना। हाँ, अब लाख रुपए की कही। इस जंगल की वीरानी और चांद की चांदनी से तुम्हारे दिल की उमंगों को मालूम नहीं होता कि इस जंगल की जिंदगी तुम्हारे लिए किस कदर सुनी है। क्या तुम्हारा दिल गवाही नहीं देता कि तुम्हें एक जीवन साथी की जरूरत है? कभी कभी मुझे अपनी जिंदगी यहाँ सुनी दिखाई देती है, लेकिन मैं यहाँ बहुत सुखी हूँ अपने वफादार शेरों के साथ। और मैं हरमबानों की शहजादी भी तो हूँ, मुझे किस बात की कमी है यहाँ? ये मैं जानता हूँ माला, लेकिन जिंदगी एक सुंदर कविता है और प्रेम उसका तार। माला, इस चकी चांदनी में, इस मनोहर रात में, इस हरियाली और हवा के ठंडे ठंडे झोंकों में, जबकि तुम मेरे पास हो और मैं तुम्हारे करीब, क्या तुम्हारी नरगसी आंखों में वो इशारे नहीं रहे जो किसी चाहने वाले दिल को बेकरार कर? क्या तुम्हारा दिल तुमसे कुछ नहीं कहता? क्या दुनिया की और बातों से तुम्हें कोई वास्ता नहीं?
बोलो माला। क्या कहूँ, मुझे वास्ता हो भी सकता है और शायद नहीं भी। नहीं नहीं माला, ऐसा न कहो। तुम अपनी इन आंखों के मस्ती को कैसे छुपा सकती हो? सब लोग हमारे दोस्त हैं। जाओ सो जाओ, अब देर हो रही है। जाओ जाओ। बेगुनाह इंसान गहरी नींद सो रहा है और गुनाहगार अपने पाप का पहरेदार है। हाय दिल, हाय जिगर, एक इधर एक उधर, देखो तो मोहब्बत के लौ चुंबक ने दोनों को अपनी तरफ घसीट कर फौलादी पंजे में जकड़ लिया है। मजाक की भी हद होती है, शराफत से बाहर कदम न रखो। लो, शराफत का सैंपल बोल रहा है। क्या कहा? जी कुछ नहीं। हाँ ये तो बताइए, आपका नाम क्या है? सुरेंद्र। सुरेंद्र, इसका मतलब? यही कि देवताओं का राजा। ओ, हाँ तो देवताओं के राजा साहब, आपको यहाँ आना कैसे हुआ? मैं क्या जानू, मुझे तो शक है कि किसी जंगल की रानी ने जादू चलाकर हरम बानों के सर जमीन पर खींच लिया है। बनाना छोड़ो, सच बता दो, किस लिए तुम सब यहाँ आए हो? तो सुनो, आज से करीब 20 साल पहले की बात है कि हरम बानों के टापू के पास से एक जहाज। गोली बारूद के बारे में तुमने महल में जाकर फैसला करने के लिए कहा था, हम यहाँ बेकार रुके हुए हैं। क्या हमें अब यहाँ से जाना होगा या नहीं? क्यों नहीं, चलो। जब वो लोग तुम्हारी पनाह में थे, तुमने ऐसी फजूल हरकत की, वो कमीनापन किया कि उन बेचारों की हिफाजत के लिए सरो सामान भी ना रखा। बोलो बाबा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो नाहक नाराज हो रही हो माला, ये भूल से गलती हो गई है। भूल से नहीं बल्कि जानबूझकर। आपको मेरे साथ दरबार में चलना होगा और अपने हाथों से उस सरो सामान को वापस करना होगा। मुझे भी अच्छा।
افسوس ہے۔ خیر، یہ رہی آپ کی امانت، آپ اسے لے سکیں۔ شکریہ آپ کا۔ مالا، یہاں سے نکل جانے سے پہلے مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ مجھ سے؟ کہیے، کیا ہے؟ قریباً 20 سال کی بات ہے، حرم بانو ٹاپو کے پاس سے ایک جہاز گزر رہا تھا جس پر سر منگل داس، مسٹر موہن لال کے بھائی، اپنی 5 سال معصوم لڑکی لیلا کر رہے تھے۔ لیکن ان سب باتوں سے مالا کا کیا تعلق؟ ہاں ہاں، کیوں نہ حق وقت گا رہے ہو؟ قصہ یہ تھا کہ سر منگل داس اپنی لڑکی کو بہا رہے تھے، کیونکہ وہاں ایک وصیت کے مطابق لیلا کو ایک بہت بڑی رقم ملنے والی تھی، لیکن ہونی کو کون ہونی کر سکتا ہے۔ طوفان آیا، جہاز اپنی گود میں سر منگل داس کو لے کر غرق ہو گیا، اور اس بڑھے باپ کی ایک لوتی آشا کو ایک لکڑی کے ٹکڑے پہ بندی ہوئی خوفناک دریا کی چنچل لہروں کے تھپیڑوں میں چھوڑ گیا۔ اس دن سے آج تک مسٹر موہن لال اس بدقسمت لڑکی کی تلاش میں ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ وہ وصیت نامہ اب بھی اسے ایک بھاری رقم کا حقدار بنا سکتا ہے۔ پھر بھی مالا کو یا ہمیں اس بات سے کیا نسبت؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ ابھی سب کے سمجھ میں آ جائے گا، مجھے پورا بھروسہ ہے کہ وہ کھوئی ہوئی لڑکی لیلا تمہارے سی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ مالا، نہیں نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مالا، تو میری بیٹی ہے، میں تیرا پتا ہوں، یہ سب کچھ تمہیں میری گود سے چھیننے کی چال بازی ہے، لیکن میں تمہیں کبھی جانے نہ دوں گا۔ مالا، تو میری اولاد ہے۔ ہاں ہاں پتا جی، گھبرانے کی تو کوئی بات نہیں، کیا مجھے معلوم نہیں کہ میں آپ کی ہی بیٹی ہوں؟ آپ جائیں، مہربانی ہوگی، میرے پتا کا دل نہ دکھائیں۔ یہی موقع ہے وار کرنے کا، کر لے، نہیں تو پچھتائے گی۔ قدرت کے بلہائی، کیسی ہے ناری ناری، جاؤں میں تم پر واری واری، کر دو واوا بھوجن کی تیاری۔ بس اب یہی ڈیرا ڈال کر پیڑ پوجا شروع کر دیں۔ اور کوئی بات بھی ہے؟ اٹھتے بیٹھتے سوتے روتے سوائے کھانے پینے کے اور بھی کچھ کرو گے؟ کیوں نہیں بھلا، میاں قلندر نے کہا ہے کہ لا پلیٹ، جلدی سے بھر پیٹ اور آرام سے لیٹ۔ کیوں، تمہارا کیا خیال ہے شیٹ؟ جو تو کہتا ہے وہی، یہی آرام کرے۔ شاباش، لاکھ روپے کی کہیں۔ اچھا تم یہی ٹھہرو، میں کھانے کے لیے شکار مار لاتا ہوں۔ مگر ذرا سنبھل کر جانا بھائی۔ سورن، وہ دیکھو گیت، شاید کسی کی لاش پر منڈلا رہے ہیں۔ چلو اسی طرف چلیں۔ Oh,
अरे भाई सुरेंद्र, अरे उठ यार, उठ यार सुरेंद्र, अरे उठ यार, क्या लंबा हो गया। अरे देखो ये काले देव के बेटे कहां से आ गए। खबरदार, अगर तुम लोगों ने जरा भी हरकत की तो ये जहरीले तीर तुम्हारे सीने से पार हो आएंगे। उठो, चुपचाप मेरे साथ चलो। Thank you.
तकलीफ है जो हमें आज आपके दीदार हुए। अल्टीमेटम देने से पहले आप जुम्मन की छावनी में कैसे टपक पड़ी? मैं तुम्हें दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त समझकर आई हूँ, और तुम सबको छुड़ा भी सकती हूँ। लाख रुपए की कहीं नेकी और पूछ पूछ, चलो चले। हाँ हाँ, हरम बानों की जेल की चार दीवारी से भागना इतना आसान नहीं। सबसे पहले तुम्हें मेरी एक शर्त मंजूर करना होगी। शर्त कैसी? मैं खुद इस सुनसान जंगल में रहते रहते हैरान हो गई हूँ, मगर हरमबानों का राजा बड़ा संगदिल है। जिसने इस राज में कदम रखा बस फिर उसे यहाँ से लौटकर बाहर की दुनिया देखना नसीब ही नहीं हुआ। अगर तुम सब मुझे वो खोई हुई लड़की लीला मानने का वादा करो तो मैं तुम्हें इस काल कोठरी से निकल जाने का खुफिया रास्ता बता दूंगी। बुम्बई पहुंचने के बाद लीला की तमाम दौलत मेरी हो जाएगी, जिसे हम सब सोच समझकर आपस में बांट लेंगे। वाकई प्लान तो बहुत अच्छा है। मगर हाँ, यहाँ से जाने से पहले हमें आपकी उस हमदर्द माला का खात्मा कर देना जरूरी है। क्यों? इसमें भी एक बड़ा राज है जो मैं अभी तुम्हें नहीं बताऊंगी, लेकिन उसका खात्मा करना जरूरी है। बंद कर अपनी जहरीली जबान। परमात्मा का उपकार मान के तू एक औरत है, साथ ही तुझे तेरे नीचे रादों का पता मिल जाता। बच्चलन औरत का एक एक हाथ ठंडी हवा को जहरीला बना देता है, उस परछाई को भी देखना बड़ा गुनाह होता है। दूर हो यहाँ से। मैं तो तुम्हारे ही भले के लिए कह रही हूँ, मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। मैं तो समझी थी कि मैं अक्लमंद आदमियों के साथ बातें कर रही हूँ, तुम तो निकले मेरे बेवकूफ। और याद रहे, हरमबानों के राज में जो कोई मीना के सामने सर उठाने की जुरत करता है उसकों की मौत मारा जाता है। मुझे तो एक ही बात का अफसोस हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि जिंदगी का ऐशो आराम तुम्हारे हाथ में है। तुम खामखा मौत को दावत दे रहे हो। हाँ हाँ, मीना का कहना बिल्कुल ठीक है। मेरे साथी माने या न माने, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं तो पहले ही से जान गई थी कि तुम अपने दोस्तों से ज्यादा समझदार हो। खामखा खतरे में डालना उस दिल का काम है। भूलो मत, कल कल न रहा और आज आज भी न रहेगा। दुनिया है रंग रंगीली। और खूब कहा हमीद खान, जरूर दुनिया है रंग रंगीली। आज तुम्हारा फलसफा निरा निकम्मा। चालाक आदमी अच्छी तरह जानता है कि जिंदगी सिर्फ चार दिन की है, फिर इतनी छोटी सी फानी जिंदगी का मकसद मालो दौलत से ताकत हासिल करना, ऐशो आराम में दिन गुजारना और इश्क मोहब्बत का लुत्फ उठाना। इस दुनिया में या उस दुनिया में फिर मिलेंगे कहीं ना कहीं, जन्नत में या जहन्नम में, तुम्हारे महल में या मेरे महल्ले में, फिर मिलेंगे कहीं ना कहीं, सारा हिसाब चुकता कर देंगे वहीं। ¶¶
तीरंदाजों को इनका पीछा करने के लिए भेज दो, कल सवेरे अजनबियों को फांसी पर चढ़ाया जाए। जिस तरह हो सके अब वसीयतनामा जो माला के पास बेग में है हमारे कब्जे में आना ही चाहिए, जिससे दुनिया को जाहिर हो जाए कि तुम ही सर मंगलदास की वारिस हो। ठीक है, मगर हरमबानो की सरजमीन छोड़ने से पहले हमें माला का खात्मा करना ज्यादा जरूरी है। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी गुफा में से बेग लेकर आता हूं। पीछा चलाए, जल्दी भागो। शंकर, मेरी मदद करो, सब बुला लाओ।
फिक्र मत करो शंकर, गोली मेरे बाजू से सिर्फ छूकर निकल गई है, आर पार नहीं हुई। मैं कल तक अच्छी हो जाऊंगी। रात ज्यादा हो रही है, मुझे नींद आती है। रात अंधेरी हो रही है, कदम कदम पर ठोकरों का सामना है, हमें यहीं पना लेनी होगी। सूरज की पहली किरण के साथ यहाँ से निकल जाएंगे। मैं तो तुम्हारी राय का साथी हूँ। क्या खबर लाए हो चालू? तुम बहादुर मालूम होते हो, एक दुश्मन भी बहादुर दुश्मन की कदर करता है। अब ये देखना है कि तकदीर तुम्हारा साथ दे है या नहीं। माला, इस जंगल की वीरानी और चांद की चांदनी से तुम्हारे दिल की उमंगों को मालूम नहीं होता कि जंगल की जिंदगी तुम्हारे लिए किस कदर की है। क्या तुम्हारा दिल गवाही नहीं देता कि तुम्हें एक जीवन साथी की जरूरत है? मिस्टर मोहनलाल, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की जान को खामखा खतरे में डालना उस दिन का है। भूलो मत, एक कल कल न रहा और आज आज ही न रहेगा। अजनबी मुजरमों, अब तुम इस दुनिया में थोड़ी ही देर के मेहमान हो, क्या कहना चाहते हो तुम? सही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। मरते दम तक अपना फलसफा न छोड़ोगे? जिंदगी में हासिल किया हुआ तजुर्बा और सबक की कसौटी मंजिल मौत के वक्त ही होती है, और बाद वक्त इंसान की बहादुरी खुद अजल के फरिश्ते को मुंह फेर कर वापस जाने के लिए मजबूर करती है। बंद कर दो अपनी बकवास को, चालक। Thank you.
क्या किया? मैंने वही किया पिताजी, जो राह इंसाफ पर करना जरूरी था। इन सब निर्दोषों की लेकर तुम्हें क्या फायदा हो सकता है? असली मुजरिम तो तुम्हारे आयशो आराम के पिंजरे में पली हुई मैना है, जिसे मिस्टर मोहनलाल ने सयाद बनकर अपने दामे फरेब में जकड़ लिया है और अभी अभी सरजमीन हरम बानों से भाग रहा है। फिनिश। अच्छा तो माला क्या किया जाए? फौरन उन बदमाशों का पीछा किया जाए। जानुक, इन सब को छोड़ दो। जानुक, अपने तीरंदाजों का एक दस्ता साथ लेकर मीना और मोहनलाल की तलाश में जाओ। अगर हम एक बार दरिया के किनारे पहुंच जाएंगे तो कामयाबी हमारे पांव चूमेगी। वो यकीनन दरिया के रास्ते से जाएंगे। वो देखो, आंधी आ रही है। अक्सर बुजुर्गों से सुना है कि जब हरमबानों का मुल्क गुनाहों के अजाब में फंस जाता है तो इस दरिया का चढ़ाव तूफानी सूरत इख्तियार करके दरख्तों और खेतों को बहा ले जाता है। अब हमें वापस चलना चाहिए। वो देखो, देखिए क्या खाक, दुम दबाकर भागो। Ah!
खत्म हो चुका है। हाँ, खत्म हो चुका। वो देखो माला का बेग। वसीयत नामे से यही जाहिर होता है कि माला ही सर मंगलदास की बेटी है। वो कौन सा औकदा है जो हल हो नहीं सकता? इंसान करे हिम्मत तो वो क्या हो नहीं सकता। पहाड़ों और मैदानों की थकान ने हमें मंजिल मकसूद पर पहुंचा दिया है। अब हमारी कोशिशों को कामयाब बनाना माला के इख्तियार में है। अब तो मेरे लिए अपने मालूम पिता की आखिरी वसीयत का पालन करना फर्ज हो गया है। मुझे जाने की इजाजत दीजिए बाबा। मैं अपने पापी ख्यालों में सब कुछ भूल गया था। मुझे माफ कर दो बेटा। ये क्या कहते हैं आप? आपने तो मेरी बड़ी हिफाजत की है। आपकी बदौलत मुझे मान और मर्तबा हासिल हुआ है। और अगर सच पूछो तो हरमबानो मेरा ही वतन बन गया है ना? हमीद, सफर की तैयारी करो। मैं एक बार अपने वफादार शेरों से मिलकर आती हूँ। लेकिन शंकर, मैं हर साल तुमसे मिलने आया करूंगी। और चंपी, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वापसी तक तुम दो चार बच्चों की अच्छी माँ बन जाओगी। जा रही हूँ। अच्छा बेटा, खुदा हाफ। अगर इंसान में हिम्मत हो तो क्या कर नहीं सकता। अगर इंसान में हिम्मत हो तो क्या कर नहीं सकता। जो है मर्दे जमाना आफतों से डर नहीं सकता। जो है मर्दे जमाना आफतों से डर नहीं सकता। अगर इंसान में हिम्मत हो तो क्या कर नहीं सकता। अगर तकदीर की महफिल में हो तकबीर का ताते। अगर तकदीर की महफिल में हो तकबीर का ताते। वो प्याला कौन सा प्याला है के जो भर नहीं सकता। वो प्याला कौन सा प्याला है के जो भर नहीं सकता। अगर इंसान में हिम्मत हो तो क्या कर नहीं सकता। सदाकत जिसका जीना है शहादत, जिसका मरना है सदाकत। जिसका जीना है शहादत, जिसका मरना है वो मर जाता है। लेकिन नाम उसका मर नहीं सकता। वो मर जाता है लेकिन नाम उसका मर नहीं सकता। अगर इंसान में हिम्मत हो तो क्या कर नहीं सकता।
तू अपनी राह चलता जा, न डर ठोकर से ऐ बंदे, खुदा जिसका सहारा है, खुदा जिसका सहारा है, बशर हो गिर नहीं सकता, खुदा जिसका सहारा है, बशर वो गिर नहीं सकता, अगर इंसान हिम्मत हो तो क्या कर ही सकता, अगर इंसान हिम्मत हो तो क्या कर नहीं सकता।